सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैत्री जी महाराज ने बताया, मैं आपको सर्वप्रथम सृष्टि प्रकरण सुनाता हूँ, उसके बाद आपको अन्य कथा श्रवण कराऊंगा। जब ये संसार में कुछ भी नहीं था, तब केवल जल था और जल में भगवान श्रीमन नारायण विराजमान थे। भगवान नारायण के नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरा काम क्या है। कमल के वो जो नल होता है ना, उससे बार बार अंदर प्रवेश करते, बार बार बाहर निकलते, चारों ओर देखते, कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया, भगवान ने दर्शन दिया, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप अब सृष्टि करो, ये सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश को पाकर के सृष्टि करना प्रारंभ किया। उसके बाद सर्वप्रथम पंच अविद्या का सृष्टि किया, उसके बाद में सनकादिक चार कुमार का सृष्टि किया, जिन्होंने विवाह नहीं किया वो बाबा जी बन गए। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। रोते रोते प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। ब्रह्मा जी बोले अब सृष्टि करो, रुद्र भगवान ने ऐसा सृष्टि किया जिसके सृष्टि के जीव को देख करके अन्य जीव डरने लगे, भूत प्रेत का सृष्टि किया। ब्रह्मा जी बोले बस करो, अब जाओ कैलाश में और तप करो। वो कैलाश चले गए, तपस्या करने लगे। इधर भगवान ब्रह्मा जी महाराज के शरीर के दो भाग से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिसका नाम है मनु और शत्रुघ्न। ये संसार के सबसे प्रथम मानव है, तभी से मनुष्य सृष्टि प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी बोले देखो अब आपको मानव का सृष्टि करना है। तब दोनों मनु शत्रुघ्न मिलकर के मनुष्य को सृष्टि किया।